नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ पारिख है और आप देख रहे हैं टेक्नो व्लॉग। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं जो कि स्पेसिफिक होने वाली है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में किस तारीख को लॉन्च होने वाला है। इसकी शुरुआत करते हैं कुछ फैक्ट्स बता के आपको कि पबजी मोबाइल इंडिया का नाम बदलकर अब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रख दिया गया है। नई वेबसाइट आ चुकी है, नए इंस्टाग्राम हैंडल्स, नए YouTube हैंडल्स, YouTube का जो चैनल है वो, ट्विटर, वेबसाइट, सब कुछ आ चुका है और नया लोगो रिवील हो चुका है। तो सबसे पहले नए लोगो रिवीलिंग का मजा लीजिए और ये रहा नया लोगो। वीडियो काफी कूल है और बहुत सारे लोगों को इम्प्रेस ऑलरेडी कर चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्राफ्टन है वो अब टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं करने वाली, वो इंडिया में आने के लिए उनको टेंसेंट का हाथ छोड़ना पड़ेगा और क्राफ्टन ने कुछ इंडियन डेवलपर्स कंपनीज के साथ मिलके ही इंडिया स्पेसिफिक रीजन, मतलब ये जो गेम होगा जब लॉन्च होगा ये सिर्फ इंडिया में खेला जाएगा, इंडिया के बाहर नहीं खेल सकते आप। और इसका मतलब ये भी है कि जो विदेश के या फिर जो फॉरेन सर्वर्स थे वो नहीं यूज कर पाएंगे, जो दूसरे प्लेयर्स हैं आउट ऑफ इंडिया वो नहीं खेल पाएंगे, आप सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स के साथ खेल पाओगे। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी, खैर बुरी बात नहीं है जब तक कि हमें पबजी का मजा उतना ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको भर भर के चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि मैं पिछली कई वीडियोज में आपको बता चुका हूँ कि पबजी में जो चेंजेस हैं वो रिक्वायर्ड है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप इसको खेल पाएंगे एक दिन में, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल 5 घंटे 4 घंटे जो भी पबजी वाले निर्धारित करते हैं उस हिसाब से खेल पाएंगे। और जो मेन दिक्कत थी हमारी प्राइवेसी और डाटा को लेकर, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जितना भी हमारा डाटा है वो इंडिया में ही रखा जाएगा और सिंगापुर में भी स्टोर किया जाएगा। और इन सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए वो गवर्नमेंट से शायद अप्रूवल ले चुके हैं और तभी इतना जो जोर और शोर के साथ इसकी प्रमोशन करने में लगे हुए हैं। ट्रेलर के बारे में बात नहीं करने वाले, ट्रेलर आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा था ट्रेलर और पिछला जो ट्रेलर है वो हटा दिया गया था। और ये एक रीजन था कि लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि पबजी वापस इंडिया में आएगा, या फिर अब यार थोड़ी आदत है ना, चेंज करनी पड़ेगी बैटल ग्राउंड मोबाइल भूलने की। तो अब आ जाते हैं हम फाइनल बात पर कि भाई ये जो गेम है सारे चेंजेस वेंजेस करने के बाद इंडिया में कब आएगा। तो अभी एक रीसेंट पोस्ट आपने देखी होगी, या फिर आपने नहीं भी देखी तो अब देख लीजिए, ये रीसेंट पोस्ट जो है लेवल 3 के हेलमेट की वो पोस्ट की गई है। और पहले तो अनुमान लगाया जा रहा था, मतलब ये बात सिर्फ मैं अपने से नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, वेबसाइट पे सुना है और बहुत सारे वीडियोस भी इस चीज़ के ऊपर हैं और उनका कंक्लूजन यही निकलता है कि ये जो पोस्टर है ये कोई आम पोस्टर नहीं है, मतलब इसमें सिंबोलिज्म यूज़ किया गया है। अब आप देखेंगे ना तो 10 जून को जो है सोलर एपोकलिप्स है, तो ये उसी तरीके से किया हुआ है, लेवल 3 का हेलमेट जो है, जो ये वो फलाना धमकाना। 10 जून को सोलर एपोकलिप्स है और जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है वो 10 जून को रिलीज होगा, ऐसा पूरा पूरा संभावना है और कह सकते हैं ये फाइनल है। तो 10 जून को आप जो है ये गेम खेल पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको प्री रजिस्ट्रेशन भी देखने को मिल सकता है और मेरे ख्याल से जल्दी जितना हो सके वो लोग प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो प्री रजिस्ट्रेशन के अपने फायदे होंगे। अब देखना ये है कि जो चेंजेस हैं वो क्या क्या होते हैं, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि क्या ये जो गेम क्राफ्टन इंडिया में ला रहा है वो पुराने पबजी जितना ही मजेदार होगा। इस बारे में आपके क्या ख्याल है और आपको क्या लगता है कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए मुझे जरूर बताइए, हम उनके ऊपर भी वीडियोज बना सकते हैं भाई साहब। 10 जून का वेट कीजिए और मजे लेने के लिए तैयार हो जाइए दोबारा से। इस बार कोई चाइनीज कॉरपोरेशन नहीं है, डायरेक्ट स्ट्रेट आउट ऑफ साउथ कोरिया इनटू इंडिया। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय। ये वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलना। ओके बाय।